नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरथेलिडोन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, क्लोरथेलिडोन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और क्लोरथेलिडोन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि क्लोरथेलिडोन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में क्लोरथेलिडोन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। क्लोरथेलिडोन टैबलेट का उपयोग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और शरीर में सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से लकवा लगने का, दिल का दौरा पड़ने का और किडनी खराब होने की समस्याएं होने का जोखिम अधिक हो जाता है। शरीर में लिवर, किडनी और दिल से संबंधित बीमारियां होने की वजह से पैरों या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। इसलिए सूजन को कम करने के लिए भी डॉक्टर क्लोरथेलिडोन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। क्लोरथेलिडोन टैबलेट डायूरेटिक ड्रग क्लास की दवा है। डायूरेटिक दवाइयां शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालती है। क्लोरथेलिडोन टैबलेट को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है, इसलिए डॉक्टर क्लोरथेलिडोन टैबलेट को उन लोगों को भी लेने की सलाह दे सकते हैं जिन व्यक्तियों को कोई किडनी से संबंधित समस्या है या जिन लोगों की किडनी अच्छी तरह से काम नहीं करती है। क्लोरथेलिडोन टैबलेट 6.25 mg व 12.5 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरथेलिडोन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में क्लोरथेलिडोन टैबलेट की वजह से कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में क्लोरथेलिडोन टैबलेट की वजह से चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, कानों में कुछ बजने की आवाज आना और आंखों में धुंधलापन हो सकता है। इसके अलावा क्लोरथेलिडोन टैबलेट की वजह से नींद अधिक आना, पेट में बेचैनी, दस्त और शरीर में कमजोरी हो सकती है। क्लोरथेलिडोन टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का संतुलन बिगड़ सकता है। अगर आपको क्लोरथेलिडोन टैबलेट को लेने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, उल्टी आने का मन होना और मुंह में सूखापन होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। क्लोरथेलिडोन टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो सकती है। शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा होने पर किडनी की कार्यप्रणाली बिगड़ सकती है। इसके अलावा क्लोरथेलिडोन टैबलेट की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरथेलिडोन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में क्लोरथेलिडोन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। क्लोरथेलिडोन टैबलेट को शाम के 4 बजे के बाद लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि क्लोरथेलिडोन टैबलेट को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है। अगर आप क्लोरथेलिडोन टैबलेट को शाम के समय लेते हैं तो आपको रात के समय बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है या जिन व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से पेशाब कम आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए क्लोरथेलिडोन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह के बिना क्लोरथेलिडोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरथेलिडोन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। क्लोरथेलिडोन टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर क्लोरथेलिडोन टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं। क्लोरथेलिडोन टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, इसलिए आपको क्लोरथेलिडोन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना क्लोरथेलिडोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं क्लोरथेलिडोन टैबलेट
टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए क्लोरथेलिडोन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को क्लोरथेलिडोन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को क्लोरथेलिडोन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए।